दोस्तों हमने पलट लिया है, आराम से हमें पलटना है, ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करना है। थोड़ा सा बटर और लगा देते हैं, घी या बटर जो भी आप लगाना चाहे साइड साइड से, इससे हमारा जल्दी ये पक गया। देखो सब्जी है, गाजर को हमने ग्रेट कर लिया है, अदरक है, ये प्याज और शिमला मिर्च को हमने बारीक चॉप कर लिया है एक साथ में, ये धनिया है। अगर आप हरी मिर्च खाते हो तो हरी मिर्च भी एक डाल सकते हैं, मैं हरी मिर्च नहीं डाल रही क्योंकि हम बच्चों के लिए बना रहे हैं। आज हम ब्रूटन की कटलेट बनाने जा रहे हैं, यानी ब्रूटन यानी दलिया, जो गेहूं की जो दलिया होती है उसकी। इस दलिया को हमने आधा घंटा पहले उबला था, आधे कटोरी में। दलिया को आधा घंटा भिगो कर रखना, हमने धोकर दो पानी से भिगो कर रख दिया था आधा घंटा पहले। जो ब्रूटन दलिया हमने भिगो कर रखा था वो हम बाउल में डाल लेते हैं पहले। आज हम दलिया कटलेट बनाए जा रहे हैं, तो इसके अंदर हम कुछ सब्जियां डालेंगे। बच्चे दलिया नहीं खाते हैं तो हम उसको कटलेट बना के ले दे सकते हैं। तो पहला हरा धनिया है वो डाल लेते हैं सारा। प्याज और शिमला मिर्च हमने बारीक बारीक चॉप किए चॉपर में, अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो वहाँ से भी कर सकते हैं। गाजर को ग्रेट किया हुआ है और अदरक है हमारा, तो हम सारी चीज़ें मिला लेते हैं। आप चाहे इसमें पनीर भी थोड़ा डाल सकते हैं, थोड़ा हरा प्याज हो, थोड़ा वो हो बीन्स हो, वो सब भी डाल सकते हैं बारीक चॉप करके। अब इसके अंदर हम आलू बॉईल किया हुआ है वो डाल देते हैं इसके अंदर अच्छे से। कुछ मसाला डाल देते हैं, अमचूर पाउडर आधा चम्मच है, नमक स्वाद अनुसार ले लेते हैं, कुटुई लाल मिर्च थोड़ी डाल देते हैं, के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अगर बच्चों को खिला रहे तो थोड़ा कम डालिएगा, मैंने कम डाला। गरम मसाला डाल देते हैं। अब इन चीज़ों अब मसाला जो है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बच्चे जैसे खाते हैं उस हिसाब से डालिएगा। ये हमारा भुना हुआ जीरा पाउडर है वो हम डाल देते हैं एक आधा चम्मच है। अब सारे मसालों को हम एक साथ मिक्स करके मिला लेते हैं अच्छे से। दोस्तों हमने सारी चीज़ें अच्छे से मिला ली है और इकट्ठा कर लिया। हाथों में थोड़ा तेल या घी लगा सकते हैं और लगा के हम थोड़ा लोई बना लेते हैं। कटलेट बनाना हमें तो ऐसे गोला गोला थोड़ा बना लेंगे अच्छे से। ये देखिए हमारे सारे कटलेट बन के तैयार हो, चलिए उसको तवे पर सेक लेते हैं। हमने तवे पर घी लगा दिया था अच्छे से और उसको देखिए सेक लेते हैं। 5 मिनट पहले मीडियम आंच कर देना हमें, और मीडियम आंच पे हमें 5 मिनट से पलट देंगे तब फिर आपको दिखाएंगे। हमने पलट लिया है, आराम से हमें पलटना है, ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करना है। थोड़ा सा बटर और लगा देते हैं, घी या बटर जो भी आप लगाना चाहे साइड साइड से, इससे हमारा जल्दी ये पक गया। हर रोटी के साथ भी आप खा सकते हैं, तो मैं ब्रेड के साथ सर्व कर रही हूँ, उसको एक ब्रेड लगा से दबा दिया। ये हमारा कटलेट बनके तैयार हो गया है।